हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेस विजार्ड बाय करंट सर। तो भाइयों, कल तक की अपनी जो कहानी थी ना, वो ख़त्म हुई थी सेट के सबसेट पे कि सबसेट कैसे निकालते हैं भैया, सबसेट ऑफ एनी सेट। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि अगर सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएंगे 2 की पावर 2। अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएंगे 2^3, मतलब 8। तो फॉर्मूला क्या था, 2^n। याद रखना, इम्पोर्टेंट है चीज। आज बात करेंगे भाइयों पावर सेट। आप कहेंगे कि पावर सेट क्या है? बिल्कुल, पावर सेट इसी से जुड़ा हुआ है भैया। अगर आपको सबसेट निकालने आते हैं तो फिर पावर सेट आपके लिए बच्चों का खेल है। तो देखिए, पावर सेट क्या होता है आपको बता देता हूँ, सुनिएगा। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। अरे भैया कितना मजा आ गया। मतलब अगर आपको कोई एक, देखिए समझना, एक सेट दिया मैंने आपको ए, एलिमेंट कम ही लेते हैं स्टार्टिंग में, इसके अंदर दो एलिमेंट है 1, 2। एक सेट है ए, इसके अंदर दो एलिमेंट है 1, 2। तो आपसे मैं बोलता हूँ कि भैया इसके सबसेट निकालो, तो आप क्या कहेंगे, सर इसके 4 सबसेट आएंगे, एक तो आएगा 1, एक आएगा 2, ऐसे ही लिखते हैं सबसेट को, भूलना मत। एक ये खुद 1, 2, और एक हमारा कांड करने वाला आदमी 5। ये इस सेट ए के 4 सबसेट हो गए। अगर इनको एक सेट के अंदर बंद कर दें, मतलब इस तरह के करली ब्रैकेट के अंदर जाके इनको बंद कर दें, तो ये बन गया भैया पावर सेट। तो हमको अगर कोई सेट ए दे रखा है तो उस सेट ए का पावर सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी ए इक्वल टू दिस वन। इतना सिंपल है यार पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, पहले जो भी सेट दे रखा है उसके सबसेट निकाल लो, निकाल दिया, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, पिक्चर ओवर। ये लो भैया। अब कोई कहेगा कि सर आप एग्जांपल और दे दो ताकि कल की पिक्चर और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब की बार 1, 2 को चेंज करके अपन क्या करते हैं, ए और बी लिख देते हैं। ये लो, एक सेट है मेरे पास ए, उस सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए और बी। मुझे क्या निकालना, मुझे पावर सेट निकालना है। एक एलिमेंट और ले लेते हैं, चलो 3 कर देते हैं। एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी। अब मुझे क्या निकालना है, इस सेट ए का पावर सेट निकालना है। तो भैया पावर सेट निकालने से पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसेट निकालने पड़ेंगे। तो पहले तो सबसेट निकालूँ, तो सबसेट कितने आएंगे, 3 एलिमेंट है, यहाँ पे पुट करेंगे 2 की पावर 3, मतलब 8 आएंगे। तो देखिए पहला तो क्या आएगा, ए, सेकेंड आएगा बच्चों बी, थर्ड सबसेट आएगा सी, फिर एक बार कॉम्बिनेशन ए बी, ए कोमा बी, फिर बी कोमा सी, और फिर उसके बाद सी कोमा ए या ए कोमा सी, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि सेट में ऑर्डर कुछ भी मायने नहीं रखता है। ये सारे हो गए, फिर उसके बाद आपका ये सेट खुद ए बी सी, जिसको आप इम्प्रॉपर बोलते हैं ए बी सी, और लास्ट में जाके मेरे बच्चों 5, लास्ट में जाके 5। अब ये इस सेट के सारे सबसेट मैंने यहाँ पे लिख दिए बच्चों। मुझे क्या करना है, मुझे पावर सेट निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पी ए इक्वल टू, और करली ब्रैकेट के अंदर इस सारी कहानी को बंद कर दूँगा। ये बन गया मेरे भाइयों पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, एक सेट के सबसेट निकालिए और उनको एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, तो वो बन जाएगा पावर सेट। ये हो गई हमारी पिक्चर। अब एक ऐसी पिक्चर लेके आऊँगा मैं आपके पास, जिसको अगर मैं बुक के थ्रू बुक में जैसा दिया होता है अगर वैसा समझा दूँ तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं उसको आपको मेरी स्टाइल में, मेरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगा। देखिए आप, तो देखिए अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ना, उसको आप मेरी स्टाइल में समझिए बच्चों। आपको एक बुक में टॉपिक दिया होता है इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, एज ए सबसेट ऑफ आर। तो आप पता है इसमें कुछ भी मत उलझिए, इसकी कहानी बड़ी सीधी होती है। मैं आपको बताऊंगा, आपको 3 तरह के ब्रैकेट देखने को मिलेंगे। देखना, सबसे पहले आपको इस तरह का ब्रैकेट देखने को मिलेगा, एक बार आपको ये चीज देखने को मिलेगी, एक बार आपको ऐसा ब्रैकेट देखने को मिलेगा स्मॉल ब्रैकेट, और कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा
कि एक तरफ क्लोज है एक तरफ ओपन है। ये कहानी उल्टी भी हो सकती है, मतलब जैसे आपने ये देखा ना, ये चीज़ यूँ भी हो सकती है कि इधर से ओपन हो और यहाँ पे क्लोज हो। तो अब आपको बता देता हूँ, इसको तो बोलते हैं बच्चों क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इसको बोलते हैं भाइयों ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अगर इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे कोई सा भी रियल नंबर आ सकता है, क्योंकि मैंने पहले बोला है इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, आर का मतलब रियल नंबर। तो ये अगर मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। अभी आप देखिए कि अगर ऐसा लिख रहा है मतलब इसको हम बोलते क्या है, ये अगर इस तरह से दे रखा है स्मॉल ब्रैकेट तो हम बोलेंगे ओपन इंटरवल, और इस तरह से दे रखा है कि क्लोज भी दिख रहा है ओपन भी दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों सेमी क्लोज्ड, ये भी बोल सकते हैं, या फिर सेमी ओपन इंटरवल, कुछ भी बोल सकते हैं आप बच्चों। इसको आप सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हैं और इसको आप सेमी ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं, ये हमारी कहानी है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आता हूँ, देखिएगा। अगर मैंने आपको लिखा है कि भैया ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर लिख दिया मैंने 2 to 4, तो इसका मतलब पता है दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 भी काउंट होता है और 4 भी काउंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 भी काउंट है और 4 भी काउंट है, 2 और 4 ये दोनों वैल्यू जो है बच्चों वो काउंट होती है। ठीक है, इसका मतलब कहानी ये होती है कि 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी वैल्यू जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं वो, और लेस देन इक्वल टू 4, ये इस कंडीशन को बताता है बच्चों। तो यहाँ पे तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, अगर मान लो इसकी जगह ए और बी होता ना, तो फिर अपन पता है क्या लिखते हैं, फिर अपन यूँ लिखते हैं कि हमारे पास इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है तो हम लिखते हैं एक्स सच देट ए से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, और फिर उसके बाद हम लिख देते हैं हमारी कहानी कि ये जो है ये किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये इस तरीके से लिखा जाता है, एक्स सच देट जो भी है वो इन दोनों के बीच में है, लेकिन ये दोनों वैल्यू भी हो सकती है क्योंकि क्लोज इंटरवल में लिखा है, मतलब इन दोनों को अपन काउंट करते हैं, इसलिए ये इक्वल टू लिखा मैंने। ठीक, अगर इसकी जगह मेरे पास, इसकी जगह मेरे पास बच्चों ऐसा होता, इस तरह से लिखा होता, देखो लिखने का तरीका, समझने का तरीका बता रहा हूँ, ओपन इंटरवल में लिखा होता तो ओपन इंटरवल में पता है मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता कि भैया 2 से ग्रेटर देन है एक्स और लेस देन है 4 से, मतलब इससे बड़ा है और इससे छोटा है, ये दोनों वैल्यू नहीं हो सकती, ये फ़र्क होता है उसमें और इसमें। अगर ऐसा था तो मैंने इन दोनों वैल्यू को इंक्लूड किया था, तो मैंने लिखा था 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, और अगर ऐसा है तो मैं लिखता हूँ इस तरह से बच्चों। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड होती है। कितनी सीधी सी चीज़ है यार। ऐसे ही अगर मुझे दिया होता यहाँ दिया है 2 यहाँ दिया है 4, तो मैं क्या बोलता कि 2 तो इंक्लूड हो सकता है लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा, तो हम लिखेंगे 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बट लेस देन 4, ये हो गया सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, जो भी आप बोलना चाहें। इसकी जगह अगर यूँ लिखा होता 2 और 4 इस तरह से लिखा होता, तो आप क्या बोलते हैं कि 2 से ग्रेटर देन है आपका एक्स और लेस देन इक्वल टू 4 हो सकता है। तो ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तुम्हें समझ में आया बेटा तुमको? चलो ठीक है, मज़ा आ गया। तो ये वाली बात है, तो ये तो होता है बच्चों आपका ओपन इंटरवल, ये होता है आपका क्लोज इंटरवल, और ये होता है आपका सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब इसको पता है बच्चे बोलते हैं कि रियल लाइन पे प्लॉट करने के लिए कई बार मुझसे कहते थे, तो अगर रियल लाइन पे प्लॉट करना है ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। देखिए रियल लाइन, आप पहले जब लोअर क्लासेस में थे 7th 8th में, तो आप इस तरीके से एक नंबर लाइन बनाते थे, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस इन्फिनिटी। ठीक है सर, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है 2, एक पॉइंट है मेरे पास 4, ये 2 लिख दिया या 4 लिख दिया, डेफिनेटली उधर 4 आएगा। तो बच्चों अगर मैं ओपन इंटरवल शो कर रहा हूँ, कौन सा शो कर रहा हूँ, ओपन इंटरवल, तो ऐसी कंडीशन में मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे उसको शो कर रहा हूँ तो देखना मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखूँगा प्लस इन्फिनिटी, ये 2 लिखा, ये 4 लिखा और इन दोनों को डार्क कर दूँगा। मतलब ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि 2 और 4 दोनों इंक्लूड है, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि भैया 2 और 4 ये दोनों इंक्लूड नहीं है, बात चल रही है इनके बीच में। यहाँ पे कहानी होती है कि भैया 2 और 4 दोनों इंक्लूड हैं और इनके बीच का तो सब कुछ है ही सही। ये लो भैया, अगर आपके पास कहानी इसकी जगह सेमी क्लोज या सेमी ओपन की होती, कैसी, जैसे देखना, जैसे आपको दिया होता इस तरह से दे रखा होता मैंने, तो मैं क्या बोलता कि भैया रियल लाइन बना, आप कहते बना दी सर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मैं आपसे बोलता 2 भी लिखो 4 भी लिखो, फिर आप कहते सर 4 इंक्लूड है, तो भैया डार्क कर देना, गुस्सा क्यों खाता है, ये ले 4 इंक्लूड कर दे, ख़त्म कहानी। इसका मतलब ये पिक्चर रहेगी लेकिन इंक्लूड यही रहेगा, ये नहीं रहेगा, 2 से 4 के बीच में सब कुछ है, 2 नहीं है 4 तो है। अगर ये कहानी इस तरह से लिख देते हम, कैसा, 2 यूं है और 4 इंक्लूड नहीं है, तो वापस रियल लाइन बनाते बच्चों, यहाँ पे तो लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस इन्फिनिटी, ये एक पॉइंट है 2, ये सेकंड पॉइंट है 4, आपके बार 2 इंक्लूड है तो 2 को इंक्लूड कर दो, 4 को डार्क मत करना। आपके बार कहानी क्या, ये तो इंक्लूड है लेकिन ये नहीं है, तो ये बेटा अपना समझाने का तरीका है। मुझे लगता है आपके शायद बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर हमारे पास इस तरह का ब्रैकेट है तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ऐसा ब्रैकेट है तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और ऐसा ब्रैकेट है तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज, जो भी आपकी मर्जी हो आप बोल सकते हैं। अब टॉपिक बड़ा शानदार आने वाला है, अब इस पूरे चैप्टर की जान है वो, जैसे बेटा होता है ना कि हाँ कि यार सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है पूरे चैप्टर में, अब वो आने वाला है, वो है मेरे भाइयों वेन डायग्राम। ठीक है, अब वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो बच्चों अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। अब देखिए वेन डायग्राम कुछ भी नहीं है, ये सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। जैसे अपन नहीं करते कि ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, क्वाड्रिलेटरल को ये अपन ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ भी इस तरीके से बनाना हो। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात करी थी एम्प्टी सेट को अपन ने फाई से रिप्रेजेंट किया था। तो वेन डायग्राम क्या है बच्चों, वेन डायग्राम किसी सेट को फिगर की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाइयों कि वेन डायग्राम, पहले तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि यूलर और वेन करके दो मैथमेटिशियन हैं, यूलर और वेन। सबसे पहले तो ये कहानी यूलर लेके आया था, बाद में वेन ने भी इसके साथ हेल्प करी। तो यूलर और वेन करके दो मैथमेटिशियन हैं, इन दोनों ने ये डायग्राम दिए थे, इसलिए पहले तो इनको यूलर वेन डायग्राम कहा जाता था और फिर बाद में इसको एक सीधा नाम दे दिया गया, क्या, वेन डायग्राम। तो अपने से ये तो क्या है कि कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। तो वेन डायग्राम क्या होता है, मेन चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम मैं बनाऊंगा। अब सबसे पहले यहाँ पे एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बच्चों कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूँ आप हो गए, मैं हो गया, या कोई प्लांट हो गया, या कोई एनिमल हो गया, हम सब इस यूनिवर्स में है ना, तो इस यूनिवर्स के हम सब क्या है, सब सेट है, क्योंकि हम सभी इस यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे ही यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एक ऐसा सेट है जिसके सभी सबसेट हैं, सब इसके बच्चे हैं। तो बेटा ये सबका बाप है, जैसे ऐसा होता ना अपने घरों में कि भैया यार अपने घर में दादाजी सबसे बड़ा है, अब दादाजी के बच्चे मेरे पिताजी, फिर उनका बच्चा मैं, फिर मेरे भी एक बच्चा है बेटा ऐसा होने में। ठीक है, तो इस तरह से चेन चलती है ना। अब ये तो एक फैमिली की चेन है, अब ये पूरी दुनिया की अगर बात करें तो अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में है सब कुछ। तो वही पिक्चर है कि यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सब प्रेजेंट है। तो यूँ कहा जाता है कि एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये लो भैया ये डायलॉग भी बता देता हूँ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चों, यू और यूलर भाई ने
इस अपने दोस्त यूलर ने बोला कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रेक्टेंगल। अगर आपको यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा और ऐसे करके यू लिख दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। फिर हमसे क्या कहा गया कि हर सेट इसके अंदर प्रेजेंट है। सपोज इसके अंदर सेट ए है और इसके अंदर सेट बी है, तो भैया उन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल बनाते हैं मेरे भाइयों। तो ये बनाया हमने सेट ए, ये बनाया हमने सेट बी। इतनी सी बातें कहता है बेचारा ये यूलर और कुछ नहीं कहता है। ये कहता है यूनिवर्सल सेट को यू से बताता हूँ और रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ। ऐसे ही अगर आपको किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। ये हो गई हमारी कहानी। अब आप कहेंगे कि इसका यूज़ क्या है, क्या करने आया है यहाँ पे ये, तो वही तो बताने वाला हूँ भाई। इनके यूज़ बड़े शानदार है। वेन डायग्राम जो है ना बहुत काम की चीज़ है, इस चैप्टर में आपकी बड़ी हेल्प करेगा क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना इसी से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना भैया, वो पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशन होते हैं भाई, सेट के बारे में इतना कुछ पढ़ा। तो जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, नॉर्मल एलजेब्रा में क्या होता है, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ऐसा यहाँ पे भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो देखिए अब हमारा टॉपिक जो है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहला ऑपरेशन, सबसे प्यारा ऑपरेशन होता है यूनियन। सबसे पहला ऑपरेशन है मेरे भाइयों यूनियन। यूनियन जो ऑपरेशन है बड़ा सिंपल है। देखिए आपके पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, आपके पास एक सेट है यूनियन ऑफ सेट। पहला ऑपरेशन क्या, यूनियन ऑफ सेट्स। इफ देर आर टू सेट्स ए एंड बी, इफ देर आर टू सेट्स, मैं सारी चीजें इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। दूसरे टीचर क्या करते हैं, मैक्सिमम थ्योरी 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 लेके आते हैं तो बच्चों के कम पल्ले पड़ता है। मेरी बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है क्योंकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करता हूँ। इफ देर आर टू सेट्स ए एंड बी और इनको बोल दीजिए फाइनाइट, कई बार इफ देर आर टू फाइनाइट सेट्स, भी ये फाइनाइट सेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ए एंड बी, ठीक है। सेट ए के अंदर एलिमेंट है बच्चों 1, 2 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3, 4। जैसे आपसे मैं नॉर्मली यही तो कहता था यार भैया एक नंबर है 2, एक नंबर है 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो आप क्या कहते हैं एक 2 है एक 7 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा दो 2 × 7। ऐसे ही यूनियन जो है ना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बड़ा प्यारा है। देखिए एक सेट ए है एक सेट बी, अगर दोनों की यूनियन दिखानी है तो यूनियन मतलब यू, तो इसको ए से दिखाते हैं भाइयों, ए यूनियन बी। तो ये जो ऑपरेशन है ना यूनियन वो ए से शो होता है, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। यूनियन क्या होती है भैया, सबको मिला दो, वही तो काम करने आए यहाँ पे। तो ए यूनियन बी का मतलब सेट ए और सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सबको कंबाइन कर दो, ये लो खत्म कहानी। ए यूनियन बी का आंसर आ गया 1, 2, 3, 4, हो गई बल्ले बल्ले। ये लो बच्चों पहला ऑपरेशन सीख लिया आपने, ये लो मजाक मजाक में सब हो गया। हाँ तुम अपना काम करो, तुम डिस्टर्ब मत हो। इनका काम क्या है बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये क्या करते हैं, अभी तो ये ध्यान देते नहीं है, ठीक है, फिर ये मुझे व्हाट्सएप पे इंस्टा पे मैसेज करते रहते हैं कि सर प्लीज़ एक बार वो जो बात थी कल की क्लास में रिपीट कर देना। तो इनका तो काम बेटा रिपीट नहीं होगा। हाँ ये सेकंड ऑपरेशन जो है वो है अब हमारे पास इंटरसेक्शन। देखिए सारे ऑपरेशन सिखाएंगे आज आपको, एक तो यूनियन है, यूनियन के बाद नंबर आएगा इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसमें क्या होगा मेरे भाइयों, यही एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि मज़ा आएगा, लेकिन लफड़ा पड़ जाएगा इसमें, इसलिए मैं थोड़ी सी कहानी चेंज करूँगा। मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, दोनों फाइनाइट है, ठीक। अब मैं सेकंड ऑपरेशन लेके आया हूँ बच्चों, वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को किस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करूँगा वो भी बताने वाला हूँ। पहले तो आप देखिए सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और जो मेरे पास सेट बी है ना मेरे भाइयों उसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 5, 7। ये मैंने अपने मन से कुछ एग्जांपल दिया। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाइयों ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो आप कहेंगे ये होता क्या है बता तो दो। इंटरसेक्शन का मतलब है ए और उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए से बनाएंगे तो यूनियन। इस चैप्टर में ये बातें समझ लो,
अगर आपने सिंबल समझ ली मजा आ जाएगा। इसको तो बोलते हैं भाइयों यूनियन, और इस यू को उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन दिख रहा है, एक तो टू दिख रहा है एक फोर दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया येलो। हो गए मजे, कितना सीधा मामला है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया 2.4, यही हमारा शानदार आंसर है बच्चों। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों सेट में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका सेट, ये हो गया इंटरसेक्शन। अगर मान लो अभी मैंने जो पहले वाला जो सेट ले रखा था कि सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3, 4, तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया इंटरसेक्शन निकालो तो आप क्या कहेंगे, कुछ कॉमन ही नहीं है कहाँ से निकालो। तो बेटा यहाँ सेट थ्योरी में गुस्सा नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं फाई, कुछ कॉमन नहीं है मतलब फाई, तो ए इंटरसेक्शन बी इसका आंसर क्या आ जाएगा फाई, मतलब एम्प्टी सेट। जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी है वो फाई है, मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए थर्ड ऑपरेशन। बच्चे कहते थे मुझसे, यार मैं आपको इतनी शानदार बात बताऊं, बच्चे मुझसे यूँ कहा करते थे कि सर ये चैप्टर नंबर 1 सेट ये समझ में नहीं आता है, बड़ा अजीब सा लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरे से पढ़ने के बाद आपका मन सच में कर रहा होगा कि ये चैप्टर अच्छा है। तो बच्चों देखो, एक ऑपरेशन पढ़ चुके हैं यूनियन, एक ऑपरेशन अपन पढ़ चुके हैं इंटरसेक्शन, अब अपन तीसरा जो ऑपरेशन है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो है डिसजॉइंट, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, वो अभी यही वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताया था। तो अब इनको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना था ना, मेन कहानी तो अपनी ये चल रही थी। तो पहला जो ऑपरेशन था इसको अभी बाद में करते हैं, एक मिनट, पहले अपन वेन डायग्राम के थ्रू बताना चाह रहे थे ना बच्चों। तो सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट आपने बोला था 1, 2, सेट बी के अंदर आपने एलिमेंट बोला था 3, 4, तो वेन डायग्राम के थ्रू पता है कैसे दिखाते हैं, सेट ए बनाओ सेट बी बनाओ। ये हमेशा मैं कट करके दिखाऊंगा आपको दोनों को, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ना ये इंटरसेक्टिंग पार्ट होता है भाई। देखिए सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसके अंदर आता है। ठीक है, तो आपने अगर ऑपरेशन शो किया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को कंबाइन कर दिया, तो इसका वेन डायग्राम ऐसा बनता है बच्चों, सब शेडेड हो जाएगा। ये ए यूनियन बी का डायग्राम है, तो अगर वेन डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे और बोल देंगे कि इस ए के पास तो क्या था 1, 2 था, इस बी के पास क्या था 3, 4 था, और दोनों के मिल के पास आंसर आ गया 1, 2, 3, 4। अगर इंटरसेक्शन दिखाना होता तो आपको पता है इंटरसेक्शन दिखाने के लिए सिर्फ दोनों का कॉमन पार्ट आपको शेडेड करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे दिखाएंगे, ये सेट ए है ये सेट बी है, क्या शो करना है मुझे, मुझे शो करना है ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन ओनली ए इंटरसेक्शन बी, और जो भी एलिमेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अगर आपके पास सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, तो आप क्या कहेंगे कि 2 और 3 को तो सर पहले यहाँ लिख दो क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो 2 और 3 तो बेटा यहाँ आ जाएगा, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। अब इधर क्या बच रहा है, इधर 1 बच रहा है और 4 बच रहा है, वहाँ क्या बच रहा है, वहाँ पे उसके पास बच रहा है, अच्छा 2, 3, 4 तीनों ही कॉमन है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ से 4 हटा देते हैं, इसके पास 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, तो 2, 3 दोनों में कॉमन है, तो इसके पास एक ही एलिमेंट रह गया यहाँ पे 1, और उसके पास वहाँ पे 2 एलिमेंट रह गए, एक तो 4 और एक 5। ये मैंने आपको इंटरसेक्शन के थ्रू बता दिया, चलो ये भी हुआ। इसके बाद तीसरा ऑपरेशन है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, थर्ड ऑपरेशन है डिसजॉइंट ऑफ सेट, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। जैसे ये सेट ए है ये सेट बी है, अगर मैं इस तरह से इमेज बना दूं, मतलब दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हूं, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कराया, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में मैं बोलता हूँ ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो एक्चुअल डायग्राम ये होता है, ठीक है, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी, एंड दिस इज द डायग्राम फॉर डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ये वाला एग्जाम्पल हो गया ये 5 वाला, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3, 4,
तो दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तभी तो मैंने काटा नहीं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ये हो गया आपका डिसजॉइंट सेट्स। ठीक, अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो है वो है बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये बहुत अच्छा ऑपरेशन है, ये मुझे बहुत पसंद है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको अच्छे से सुनना आप सभी। नेक्स्ट जो मेरा ऑपरेशन है वो है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। बहुत ही प्यारा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, दो सेट्स का डिफरेंस। अब डिफरेंस मतलब आप जानते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि दो नंबर का डिफरेंस, तो आप क्या बोलेंगे कि पहला नंबर बताओ दूसरा नंबर बताओ। जैसे मैंने बोला पहला नंबर 10 है दूसरा नंबर 4 है, तो आप बोलेंगे 10 माइनस 4। कभी कोई आदमी यूं भी तो बोल सकता है 4 माइनस 10, कि भैया हमने तो इंटीजर भी पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है। तो दो नंबर का डिफरेंस किस में से किसको करना है, कोई बोल रहा है 10 माइनस 4, कोई बोल रहा है 4 माइनस 10, दोनों चीज़ें अलग है ना। तो यहाँ पे हमारे पास भी दोनों चीज़ें अलग आएगी। जैसे हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। अब मैं ज़्यादा रामायण नहीं करके मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, दो फाइनाइट सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है। ठीक है, और दोनों सेट का मुझे डिफरेंस निकालना है, मतलब मुझे ए माइनस बी निकालना है और मुझे बी माइनस ए निकालना है। तो देखना, जैसे मेरे पास सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और मेरे पास सेट बी के अंदर एलिमेंट है बच्चों 2 4 5 6 9 11। इस बार थोड़ा एग्जांपल चेंज किया है मैंने। ठीक, आपसे कोई बोलता है ए माइनस बी निकालो, आपको मैं हाथों चीज़ें सिखाऊंगा। आपसे कोई बोलता है ए माइनस बी निकालो, एक बार आपसे बोला जाएगा बी माइनस ए निकालो। ए माइनस बी का मतलब मेरी स्टाइल में याद रखना, ए पहले है ना, सेट ए का वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है। ए माइनस बी का मतलब, इसको हिंदी में याद रखना डायलॉग को, सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है, नहीं होना चाहिए मतलब नहीं है, वो आएगा आंसर। सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है। सेट ए का कौन सा एलिमेंट नहीं है बी में? सेट ए का एक एलिमेंट है 1, एक तो ये नहीं है, एक एलिमेंट है 3, वो नहीं है। ये ए माइनस बी का आंसर आ गया मेरे भाइयों, कितनी सीधी चीज है। तो जब ए माइनस बी निकालना है तो क्या चेक करते हैं, एक का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो मैंने देखा 1 इसमें वहाँ नहीं है, 1 आ जाएगा, 3 इसमें वहाँ नहीं है, 3 आ जाएगा। ये ए माइनस बी का आंसर हो गया। अब बी माइनस ए का निकालेंगे, फिर दोनों का वेन डायग्राम देखेंगे। तो ए माइनस बी पता लग गया, बी माइनस ए उल्टा बोल देंगे, बी का वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है। बी का कौन कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है, बी का कौन कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है? एक तो बच्चों हमें पता लग गया 5 नहीं है, ठीक है, एक हमें पता लग गया 6 नहीं है, एक हमें पता लग गया 9 नहीं है, एक हमें पता लग गया 11 नहीं है। ये b माइनस ए का आंसर आ गया, कितना सिंपल है। तो b माइनस ए मतलब b का वो एलिमेंट जो a में नहीं होना चाहिए। मैंने देखा यार 2 और 4 ये दोनों तो है, लेकिन 5 6 9 11 नहीं है, तो b माइनस ए का आंसर आ गया 5 6 9 11। अब वेन डायग्राम के थ्रू देखना दोस्तों कैसे बताएंगे। वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप जानते हैं आपको आपका ये यूनिवर्सल सेट आपने बना दिया। हालांकि इसकी नीड नहीं है कि आप यूनिवर्सल सेट बनाओ ही सही, लेकिन बना दिया तो कोई बात नहीं। ये यूनिवर्सल सेट है आपका U, इसके अंदर दो सेट प्रेजेंट है, एक A है ये बनाया बच्चों मैंने A, एक B है ये बनाया मैंने B, ये A ये B, ये इमेज मुझे दिखानी पड़ती है हमेशा। A माइनस B, A माइनस B का मतलब होता है A का वो एलिमेंट जो B में नहीं है, यही तो नहीं है, ये A माइनस B का आंसर होता है ये वाला, दिस वन इज A माइनस B, ये रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों A माइनस B को। क्यों? क्योंकि यही तो पार्ट B में नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है, तो ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। इसी में अब मैं आपको बता देता हूँ, कोई बोले b माइनस ए, तो भैया b माइनस ए का मतलब b का वो एलिमेंट जो a में प्रेजेंट नहीं है, ये b माइनस ए, इधर वाला पार्ट b माइनस ए, तो भाइयों ये क्या हो गया b माइनस ए, ये हो गया b माइनस ए, ये तो हो गया a माइनस बी, ये हो गया b माइनस ए। अब यहीं पर हाथों हाथ आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बता देता हूँ, ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है a माइनस बी, एक होता है b माइनस ए, दोनों आपको क्लियर हो गया। अब यहीं पे देखिए आप हाथों हाथ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जो नई जो कहानी है, यहीं पे हाथों हाथ जो हमारे पास पिक्चर आती है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, ये कई सारी बुक्स में लिखा नहीं होता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। जैसे आर डी शर्मा वगैरह में तो ये दिया होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी निकाला था, ठीक है, बी माइनस ए निकाला था, ठीक है, दोनों की यूनियन बना दो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी में अगर मैं बी माइनस ए को कंबाइन कर दूंगा ना तो सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो पूरा जितना भी आपको शेडेड दिख रहा है ना, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। जैसे ये अकेला ए माइनस बी था, उधर का वो अकेला बी माइनस ए, अगर दोनों शेडेड पार्ट को एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली कंबाइन करूंगा तो उसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब होता है ये बीच में से ट्राइंगल बना रखा ना डेल्टा, ए डेल्टा बी, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये इसका आंसर होता है। तो कोई बोले कि ए डेल्टा बी क्या है, आप क्या कहेंगे कि भैया इन दोनों की यूनियन, ए माइनस बी क्या था ये रहा, बी माइनस ए क्या था ये रहा, दोनों की यूनियन बना दो। बना दी भैया दोनों की यूनियन, 1, 3, 5, 6, 9, 11, ये हो गया काम। ये ए डेल्टा बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी अपन ने निकाल दिया, ठीक है ना बच्चों। अब अपने पास एक लास्ट बात बच रही है, बड़ी शानदार बात बच रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आज की तो पूरी कहानी अपनी एकदम शानदार तरीके से ख़त्म हो जाए। वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। देखिए मज़ेदार बात है, देखिएगा, पहले तो मुझे लगता है ये बात सभी को क्लियर हो गई है। तो इसको पूरे को साइमल्टेनियसली अगर एक साथ मिला के बोलेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डेल्टा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर अलग अलग बोलते हैं, जैसे मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया तो सिर्फ यही है, तो आप बोलेंगे ए माइनस बी। अगर इसको हटा दूं और उसको शेडेड कर दूं, इसको हटा दिया और इसको शेडेड कर दिया, तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये है बच्चों बी माइनस ए। चलो जी बस ये लास्ट है बच्चों, उसके बाद फिर कल करेंगे आगे की कहानी। अभी तो एक 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है जिसको आप देख लीजिए ताकि ये एक साथ पूरा कवर हो जाए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं, सेट्स पे जो जो भी ऑपरेशन होते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आएगा आपके पास नया ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। पहली बात तो नया नाम आया कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या कहेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कोई भी सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट, सेट ए, अगर कोई सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस कॉम्प्लीमेंट एनी सेट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ए के ऊपर ये डैश लगा देना, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए और ए की खोपड़ी पे छोटा सा सी लिख देना, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जो ट्रेंड में जो मोस्ट पॉपुलर है ना, वो ये वाला है ए डैश। तो जब भी किसी भी सेट का अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो अपन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, भैया ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को। अब आप कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे बता दो, तो भैया ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है, कभी भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से खुद उस सेट को माइनस कर दो, यू माइनस ए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लो, और मेरे पास एक सेट है ए, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 2, 3, 6 और 7 लिख देते हैं ये लो। आप जानते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो वो तो होना ही था, ठीक है साहब। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ये है, ए के अंदर ये है, करना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है भाई, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यू में से ए को हटा दो, यू में से ए को हटा दो, यू में से जैसे ही आपने ए को हटाया, ये 2, 3, 6, 7 भगा दो इनको, बचे हुए सारे एलिमेंट लिख दो, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा,
8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना मज़ेदार काम है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो। ए की एग्जांपल में पूरी कहानी बच्चों क्लियर हो जाती है, ये लो। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, फिर भी किसी बच्चे की खोपड़ी में अगर बात कम गई हो तो एक एग्जांपल और ले लो मेरे भाइयों। जैसे मेरे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फिक्स है मेरी कहानी, अगर आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो भैया उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए, यही होता है। जैसे एक सेट है मेरे पास ए, चलो बी लिख देते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप ए ज़्यादा लेते हैं, बी ले लेते हैं भैया, ये लो। एक सेट है मेरे पास बी, इस सेट बी के अंदर एलिमेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी बार, ये लिख दिया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है भाई। और मेरे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लो। मुझसे कहा गया बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, आहा बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से मैं बी को माइनस कर दूँ तो बी कॉम्प्लीमेंट मुझे निकल जाएगा। यूनिवर्सल सेट कितना है, ये रहा, इसमें से बी को हटाना है। बी क्या है, 2, 4, 6, 8, हटा दो इनको, हटा दो तो फिर क्या बचा, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, 9 बच रहा है और 10 बच रहा है। ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। तो आज की कहानी बच्चों यहीं पे ख़त्म होती है, कल का प्रोग्राम कल शुरू करेंगे और कल भी बहुत अच्छी पिक्चर लेके आऊँगा आपके लिए। पहले तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन आप कैसे भी बुक हो दुनिया की, चाहे आरडी से, चाहे एनसीईआरटी से या कोई और बुक भी अगर आप प्रीफर करते हैं, वैसे मैं बच्चों को मना कर देता हूँ कि अगर पढ़ना है तो या तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लीजिए या फिर आरडी से पढ़ लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट है। कोई भी आपको लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या आपको लगता है कि पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं भाइयों, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।